साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। योगी सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहाज गृह विभाग सेक्टर का प्रेजेंटेशन हुआ, साथ ही गृह कारागार, होमगार्ड और सचिवालय प्रशासन और कार्मिक विभागों का भी प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया गया है। कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सही करने के लिए तकनीकी उपयोग किए जाएंगे, साथ ही नए बैरक के निर्माण की बात की गई है। साथ ही सभी विभागों के पुनर्नित्या को 30 सितंबर तक सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही इंडक्शन ट्रेडिंग मॉड्यूल और वार्षिक कैलेंडर तैयार करने की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही खनन विभाग, GST, परिवहन और आबकारी विभाग का एक्शन प्लान पेश किया जाएगा। बता दें कि दूसरी बैठक में शाम को होगी, वही मुख्यमंत्री योगी के पास बाकी के विभागों के प्रेजेंटेशन होगा। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों के मंत्रियों को 100 दिनों का रोडमैप जो है वो पेश करने को कहा गया है कि किस तरह से वो 100 दिनों तक कार्य करेंगे, क्या कुछ नई उनकी रणनीतियां हैं, क्या कुछ नई तैयारियां हैं विभागों को लेकर के, किस तरह से वो विकास करेंगे। इसी कड़ी में लगातार जो बैठक है प्रेजेंटेशन का वो जारी है। सभी विभाग बारी बारी से अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे, क्या कुछ नई नीतियां लाएंगे जिससे और बेहतर किया जा सके, प्रदेश को और बेहतर बनाया जा सके, जितने भी मंत्रालय हैं उनके कार्य और बेहतर किए जा सके। इसी बीच आज भी एक मीटिंग है, बैठक हो चुकी है, वही दूसरी बैठक जो है वो शाम को होगी। वही इसके पहले अगर बात किया जाए तो कई विभागों की जो बैठक है वो हो चुकी है। साथ ही साथ इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल और वार्षिक कैलेंडर तैयार करने की भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही खनन विभाग, GST, परिवहन और आबकारी विभाग का एक्शन प्लान पेश किया जाएगा। तमाम अभी जो 5 बजे वाली मीटिंग होनी है इसमें और तमाम तरह के एक्शन प्लान जो है वो पेश किए जाएंगे कि किस तरह से आगे के कार्य किए जाएंगे, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, किस तरह से और बेहतर सभी मंत्रिमंडल के कार्यों को बनाया जाएगा। संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज की जो बैठक थी उसमें क्या कुछ प्रेजेंटेशन किन विभागों के हो चुके हैं और किन विभागों के प्रेजेंटेशन अगली बैठक में होंगे? देखिए, आज सबसे पहले बताया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस गृह विभाग की बैठक में उन्होंने एक सबसे अहम चीज पर अधिकारियों को हिदायत दी है और अधिकारियों को चेताया ये है कि अगर मॉरल पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग का नज़ारा उत्तर प्रदेश में पेश करना है तो पहले जो पुलिस के जवान उत्तर प्रदेश में हैं, पुलिस के जो निचले कर्मचारी हैं या फिर पुलिस के जो थर्ड ग्रेड के अधिकारी हैं, सेकंड ग्रेड के अधिकारी हैं, इनको गृह विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दिलाई जाए और बताया जाए कि आखिर मॉरल पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग क्या होती है, क्योंकि इस नारे के साथ ही उत्तर प्रदेश में पुलिस का अच्छा व्यवहार जो है वो जनता के सामने पेश किया जा सकता है। और गृह विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये हिदायत दी है कि आप जल्द से जल्द प्रशिक्षण शिविर लगाइए और अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा दूसरी चीज, आज इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड विभाग और कारागार विभाग का भी प्रेजेंटेशन देखा है। कारागार विभाग के प्रेजेंटेशन में अगर बताया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के एजेंडे को सेट करते हुए ये कहा है कि जो गैदरिंग है, जो जिस तरह से जेलों में जो गैदरिंग बढ़ जाती है, जो जिस तरह से जो लोग गिरफ्तार करके लाए जाते हैं जेल में, उनकी जो भीड़ है उस भीड़ को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि जो पुराने बैरिक बनाए गए हैं उन बैरिकों को निर्माण करके और बेहतर तरीके से किया जाए ताकि जो गैदरिंग है उस गैदरिंग को किसी भी तरीके से, जो भीड़ भाड़ है उसे किसी तरीके से कम किया जाए और सबको सुव्यवस्थित तरीके से अलग अलग रखा जाए। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज इन लोगों की तरफ से जेलों में की जाती हैं, जो सीखने पढ़ने की चीजें की जाती हैं उसको और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर भी फोकस कारागार विभाग की तरफ से और उनके अधिकारियों और मंत्री की तरफ से कराया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो भी अपराधी गिरफ्तार होकर के आया है उसकी अगर सजा समय से पहले पूरी हो रही है तो उसको उसमें भी कहीं ना कहीं संशोधन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी हीला हवाली जो है वो देखने को मिलती है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें भी
बदलाव लाने की जरूरत है और इसको जल्द से जल्द एक नए प्रारूप में पेश किया जाए ताकि लोगों को सही तरीके से और सही समय पर जिनकी सजा समय से पहले खत्म हो रही है या फिर समय से पहले उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें जेल से बाहर किया जा सकता है तो उस पर विचार विमर्श करके उन्हें बाहर करा जा सके। इसके अलावा कहीं ना कहीं कारागार विभाग में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इस विभाग में जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भी जल्द से जल्द भरने की पूरी कोशिश की जाए, अधिकारी पूरा परफॉर्मा तैयार करें और परफॉर्मा तैयार करके 100 दिन के अंदर इसको सही तरीके से क्रियान्वित करके इसमें जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने की कोशिश भी की जाए। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता बहुत जरूरी है इस विभाग में और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विभागों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर एनएक्सी में बैठ करके जब इसकी बैठक ली इस विभाग की तब उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा है। इसके अलावा होमगार्ड विभाग की बात की जाए तो होमगार्ड विभाग में भी महिलाओं की जो क्षमता है उसे बढ़ाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कदम उठाया था और आज की इस बैठक में भी अधिकारियों को कहा है कि महिलाओं की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाए। जो पब्लिक हेल्प डेस्क है वहां पर भी महिलाओं की क्षमता को बढ़ाया जाए और इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उसे सुनने के लिए जो 1090 जैसी जो हेल्पलाइन शुरू की गई थी सरकार की तरफ से उसे और सही तरीके से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है उस पर फोकस किया जाए। साइबर क्राइम, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं या फिर लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है उसे और कैसे बड़े पैमाने पर बेहतर किया जा सकता है इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को समझाया है, बताया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कैसे गृह विभाग को मजबूत किया जाए, गृह विभाग से जुड़े हुए जो पुलिस विभाग के अलग अलग टुकड़ियां हैं उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है जिसमें सबसे अहम है नागरिक पुलिस या पीएससी हो गई या फिर होमगार्ड का भी एक अहम रोल, होमगार्ड विभाग का भी एक अहम रोल इसमें आता है, कारागार विभाग का भी एक अहम रोल इसमें आता है। तो इन्हीं सारी चीजों का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से लगा दूसरी बार योगी सरकार 2.0 एक्शन में दिख रही है, कितना बेहतर कदम और कितना बेहतर और विकास देखा जा सकता है इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी उन्होंने शुरू की है तब से लगातार वो अलग अलग विभागों का 100 दिनों का एजेंडा जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन मांग रहे हैं और उसी कड़ी में आज इस विभाग की जिसमें कारागार विभाग, गृह विभाग और होमगार्ड विभाग की जो बैठक थी वो बैठक थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख दिशा निर्देश दिए हैं लेकिन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे की सरकार की कोशिश है कि जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वो अपने 100 दिन के एजेंडे में क्या काम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे स्थितियों को और बेहतर किया जा सकता है, रोजगार की दृष्टि से हो गया है या फिर विभाग की बेहतरी की स्थिति से हो गया है। अब जैसे आज ही हो गया, गृह विभाग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाए ताकि वो जब जनता से मुलाकात हो, जनता से मुखातिब हो तो जो मॉरल पुलिसिंग है, जो सोशल पुलिसिंग है उसका जो एक अलग ही प्रारूप वो जनता के सामने पेश हो और जनता को भी लगे कि हाँ सरकार की तरफ से ये जो कोशिश की गई थी उसमें कहीं ना कहीं मॉरल पुलिसिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा रहा है कि हमेशा जनता के साथ रहने का नारा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो सदैव आपके साथ जो एक स्लोगन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उस स्लोगन को भी कहीं ना कहीं मजबूती से जनता के सामने पेश किया जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षिक सुधारों के लिए राज्य के कॉलेजों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है। इस व्यवस्था को शैक्षणिक साल 2023 से ही लागू कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब बीए, बीएससी, बीकॉम में छात्रों को ग्रेड दिए जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम्स में ग्रेस मार्क भी अब से नहीं दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने 3 यूजी कोर्स बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए 10 बिंदुओं वाली ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया है। नई शिक्षा नीति जो है वो लागू कर दिया गया है जिसको देखते हुए बीए, बीएससी और बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किए गए हैं। तमाम तरह के चेंजेस उसमें किए गए हैं। लगातार जो शिक्षा नीति है उसको लेकर प्रदेश सरकार एक्टिव नजर आ रही है, बेहद ही
संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ नई शिक्षा नीति है अब ये? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉलेजों की सुधार को लेकर, शैक्षिक सुधार को लेकर अब आपको बता दें कि यूजी के टीम को बात की जाए तो बीकॉम, बीएससी एवं बीबीए जैसे कोर्सों को और इन सब कोर्सों के अंदर में ग्रेडिंग सिस्टम का प्रणाली लागू किया है। और आपको बता दें कि 35% से नीचे पाने वाले छात्रों को 0 ग्रेड मिलेगा, वहीं 90 से और 100 अंक पाने वाले छात्रों को 1 ग्रेड दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अगले वर्ष जो 2023 के सत्र में इसकी शुरुआत की जाएगी। जी कृष्णा, वही अगर बात किया जाए विभांशु, इस जो ये नया डिसीजन लिया गया है उससे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके अभी रुख सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर नई शिक्षा नीति पर? जी सुशला, आपको बता दें कि अभी ये जो है प्रारूप लिया गया है, नया तरीके अपनाए गए हैं शिक्षा में, ये अभी महज कुछ घंटों पहले लिए गए हैं और इसमें छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे आने लगे हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं जैसे आपके जब देश के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल हुआ करते थे, उस समय ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया था जिसमें 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को ग्रेड सिस्टम से नंबर दिए जा रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं देखे तो छात्रों को एक लाभ था कि 60% जो नंबर थे वो स्कूलों से मिल जाते थे, वो आपके असाइनमेंट और तमाम जो थ्योरी होती है उसके मिल जाते हैं। और वही अगर बात करें लिखित परीक्षा की तो 40% जो नंबर होते हैं वो लिखित परीक्षा से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं देखे तो छात्रों के अंदर एक उत्साह है, क्योंकि अगर देखे तो सभी छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो वही कुछ छात्र प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाने में अव्वल होते हैं। तो ये अगर देखे तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बेहतर शिक्षा के विकास में एक बेहतर तरीका अपनाया गया है। उसी क्रम में आपको बताया कि 40% अब परीक्षाओं से नंबर लिए जाएंगे, वही 60% कोकुलर एक्टिविटीज एवं असाइनमेंट और जो भी कॉलेज के अंदर में असाइनमेंट और तमाम चीजें की जाती है उससे 60% अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो साफ तौर से पिछला अगर देखे तो जो छात्र लिखित एवं कोकुलर एक्टिविटी अब हर एक आधार पे अब नंबर बनेंगे, तो छात्रों को कहीं ना कहीं इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी पिछला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु। लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी एटीएस की टीम ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर निजी सचिव और उनके साथी ठगी करते थे। वहीं कार्रवाई करते हुए टीम ने साइन करते हुए 57 चेक के साथ 5 आई कार्ड भी बरामद किया है। इसी के साथ 14 लोगों के सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है, आपको बताते चले कि 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, जिसके बाद से वो चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से लगातार ही उनके कई मामले खुलते हुए जा रहे हैं, उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक जो बड़ी घटना है उनके सचिव द्वारा की गई है, जिस पर यूपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। जो ठगी की जा रही थी उनके सचिव और उनके निजी सचिव और उनके दोस्तों के साथ मिलकर उस पर यूपीएससी अपने कार्रवाई करते हुए 57 चेक के साथ साथ 5 आई कार्ड भी बरामद किए हैं। इसी के साथ 14 लोगों के सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए हैं। सरकारी नौकरी देने का दिलासा देकर इनके निजी सचिव जो है वो लोगों के साथ ठगी का काम करते थे। जहां एक तरफ युवा जो है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही पूर्व मंत्री के निजी सचिव इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि यूपीएससीएफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए इनको दबोच लिया है। संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक तरफ जहां युवा जो है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, रोजगार के लिए यहां वहां की ठोकरें खा रहा है, इस बीच जो एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए लोगों के सचिव इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब
एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए त्रिशला, एक बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की तरफ से हुई है, माफ कीजिएगा, यूपी एसटीएफ की तरफ से हुई है, और यूपी एसटीएफ ने आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 6 लोग वो हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिवों में शामिल थे, और इनकी तरफ से एक गिरोह चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब इन्हें लखनऊ के नेशनल कॉलेज के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार करने का तरीका भी बड़ा एक नाट्य रूपांतरण की तरफ से अगर हम बताएं, या फिर एक फिल्मी तरीके से गिरफ्तार इन्हें किया गया। ये सब लोग एक एक्सयूवी 700 गाड़ी से नेशनल कॉलेज के पास से गुजर रहे थे, और उसी दौरान इनकी गाड़ी पर एक सचिवालय का पास लगा हुआ था जिसपे हस्ताक्षर नहीं थे। सचिवालय के पास पर जो प्रमुख सचिव गृह है उनके या प्रमुख सचिव सूचना उनके हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन इनके सचिवालय पास पर किसी भी तरह से कोई हस्ताक्षर नहीं था, और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनको रोका, और रोकने के बाद इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम की अगर बात करी जाए तो इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव अरमान खान, असगर अली, मोहम्मद फैजी, विशाल गुप्ता, अमित राव जैसे नाम शामिल हैं, और बताया जा रहा है कि ये सब मिलकर के एक बड़ा गैंग चलाते थे, और इस गैंग के जरिए लोगों से जालसाजी की जाती थी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर। हालांकि ये आरोप पहले भी कई सारे लोगों के ऊपर लगे हैं, लेकिन ये जो गैंग गिरफ्तार हुआ है इनके पास से कई ऐसी प्रमुख चीजें भी मिली हैं, जिसमें 7 मोबाइल हैं, जिसमें 57 ऐसे चेक शामिल हैं जिस पर साइन है, सिग्नेचर वाले चेक शामिल हैं। इसके अलावा 5 जो इनके पास आईडी है वो मिली है, 22 नियुक्ति पत्र भी इनके पास से मिले हुए हैं, 14 व्यक्तियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र भी इनके पास मिले हुए हैं। जिस गाड़ी से ये लोग घूम रहे थे उसमें ये सारा सामान था। यूपीएसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े होंगे कि अगर उनका निजी सचिव इस तरह का गिरोह चला रहा था तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य तक भी इसके तार जुड़े हुए थे? उनसे भी पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा सकता है एसटीएफ की तरफ से या नहीं? या फिर जब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ में किन किन लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल ये अपने में एक बहुत बड़ा मामला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री रहे हैं, अगर हम देखें तो पिछली बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उसके पहले बसपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो पुराना नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, सीनियर लीडर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के, बसपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बीजेपी में भी उन्होंने 5 साल एज अ मिनिस्टर गुजारा है, लेकिन जब से वो बीजेपी से अलग हुए हैं तब से लगातार उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पुराने मामले में उनका वारंट इश्यू हुआ था, और अब ये कांड जिसमें उनका निजी सचिव गिरोह चलाता हुआ पकड़ा गया है सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने में। तो अब ये देखना होगा कि जब इनसे जांच पड़ताल होती है, पूछताछ होती है, तो पूछताछ में किन लोगों के और नाम निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल नितिन, ये तो बिल्कुल जांच का मामला है कि ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा किसकी जानकारी थी स्वामी प्रसाद मौर्य को या नहीं थी। लेकिन नितिन, जिस तरह से युवा, देश का युवा अगर हम कह लें, कोरोना के बाद से बेरोजगारी की मार झेल रहा है, रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी धांधली ये युवाओं के साथ है। देखिए उत्तर प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले पुरानी सरकारों में जो सरकारी भर्तियां निकली है, सबको पता है कि वो भर्तियां कहीं ना कहीं एक अलग परसेंटेज उनका फिक्स किया जाता था, और उतने परसेंटेज पे कोटे के आधार पर भर्तियां की जाती थी पुरानी सरकारों में। मौजूदा सरकार ने इस पर कहीं हद तक अंकुश लगाया है, लेकिन जो रोजगार की समस्या है उत्तर प्रदेश में, सरकारी नौकरी की समस्या है, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये जो केस निकल कर सामने आया है जिसमें गिरोह स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव की तरफ से चलाया जा रहा था, और उसने लोगों से पैसे लिए हैं, तो किस किस भर्तियों में वो लोग भर्ती किए गए हैं, वो कौन कौन अभ्यर्थी हैं, क्या अभी किसी भर्ती में जब मौजूदा सरकार पिछले 5 साल में मंत्री के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य थे उस दौरान का भी ये मामला है, या पुरानी सरकारों में जब मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य तब का ये मामला है, कौन कौन सी वो भर्तियां थी? इन सारे चीजों का जब जांच के बाद दायरा बढ़ेगा, जांच की जाएगी और चीजें निकलकर सामने आएंगी, तभी कुछ चीजों पर बोल पाना सही होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में अगर इस तरह से जालसाजी का पर्दाफाश आज यूपीएसटीएफ ने किया है, तो ये अपने में एक बड़ा कदम है। अब ये देखना ये होगा कि कौन कौन वो विभाग थे और कब कब ये भर्तियां हुई थी, जब जब लोगों को इस तरह से भर्ती किया गया है सरकारी भर्तियों में। जी बिल्कुल नितिन, एक बड़ी कामयाबी यूपीएटीएस की तरफ से हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गाजियाबाद में स्कूल बस में छात्र की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस पर स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ने का आरोप भी लगा है। परिजनों ने पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इसके पहले मामले में नाराज परिजनों ने स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की थी और हंगामे को बढ़ता देख सीएम योगी ने गाजियाबाद डीएम को जांच के आदेश दिए थे और जांच रिपोर्ट भी मांगी थी। वहीं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और खामियों को दूर किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बयान देते हुए यह आश्वासन दिलाया है परिजनों को कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी खामियां होगी उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल परिजनों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। संवाददाता प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह से अब कार्रवाई पुलिस उस पर कर रही है परिवहन मंत्री के जो स्टेटमेंट है उसके सामने आने के बाद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि गाजियाबाद में काफी बड़ा मामला है ये, क्योंकि एक स्कूली बस जो है निजी स्कूली बस के अंदर में बच्चे को ले जाया जाता है घर से स्कूल के तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में ऐसा क्या हो जाता है जो बच्चे की जिस तरह से मौत हो जाती है उसमें अभी भी जाँच चल रही है, लेकिन जाँच में साफ तौर से अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। लेकिन ये काफी बड़ा हादसा है क्योंकि जो गाड़ियां जो होती हैं, जिस तरह से स्कूल प्रबंधक जो गाड़ियों का इंतजाम करते हैं बच्चों को घर से लाने का ले जाने का और साथ में स्कूल का, तो कहीं ना कहीं इसमें भी काफी लापरवाही बरती गई है। और जो गाड़ियां थी जिस गाड़ी से बच्चे की डेथ हुई मौत हुई है उस गाड़ी का बताया जा रहा था, उस गाड़ी का फिटनेस भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इसमें कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री ने इस बात को संज्ञान लिया, साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया इस पूरे मामले को। तो कहीं ना कहीं आप जो जाँच है उसमें तेजी आई है। आज जो सुबह का मामला था खासतौर पर परिवार वाले नाखुश नजर आ रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को छोड़ने को लेकर इसमें नाराजगी भी थी परिवारजनों की कि इसमें पूरे केस में लिपापोती हो रही थी खासतौर पे कि प्रिंसिपल को आखिर क्यों छोड़ दिया गया, अगर दोषी नहीं है निर्दोष ये कैसे अभी तय होगा जब तक अभी जांच चली है। साथ ही बात करें ड्राइवर की और कंडक्टर की तो इन दोनों को खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और इन दोनों को जेल भी भेजा जा चुका है। जी, और भी जो स्कूल के अन्य बच्चों के अभिभावक है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर प्रवीण, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का बड़ा मामला है। छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं बिना पेरेंट्स के स्कूल और बसों में जाते हैं, तो उनका क्या कहना है और जो खुद सीएम ने संज्ञान लिया इस मामले पर, खुद जांच के आदेश दिए, इस पर क्या कुछ कहना है और परिजनों का? जी बिल्कुल, अगर बात करें बाकी जितने भी अभिभावक हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही थी, खासतौर पे उन लोगों का ये कहना है कि स्कूल प्रबंधक की जिम्मेदारी है बच्चों को घर से स्कूल तक ले जाना और स्कूल से घर तक ले जाने का। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जो बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है प्राइवेट टेंडर को लेकर, प्राइवेट गाड़ियों को लेकर वहां पर लगाई जाती है, तो ये काफी सवालिया निशान खड़ा होता है। खासतौर पर प्रशासन को इस चीज में सख्ती बरतनी चाहिए, आगे किसी हादसे को ऐसा ना हो सके तो उस हादसे को लेकर भी काफी सतर्कता बदलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गाजियाबाद में जिस तरह से घटना सामने आई है इसको लेकर काफी अभिभावक डरे हुए भी हैं, सहमे हुए हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है इसको लेकर काफी अभिभावक स्कूल प्रबंधकों से मिले और उनको खास तौर पे ये जताया कि इस बार जो गाड़ियां निजीकरण आप गाड़ियां हमें जो बताते हैं कि आपके घर से ले जाने लाने के लिए गाड़ी है, आप इसको इसमें जो भी आपका चार्ज लगता है प्राइवेट गाड़ी से ही अपने बच्चे भेजिए, तो उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। खासतौर पर काफी मीटिंग हो रही है, पेरेंट्स जाके अपनी बातचीत रख रहे हैं प्रबंधक के पास में, और अब आने वाले समय में देखते हैं कि गाजियाबाद में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जितना भी बढ़ाया अभी जो गाड़ियों को लेकर है स्कूल बसों को लेकर, देखते हैं आगे क्या बदलाव आ सकता है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। फिलहाल आप उस खबर पर अपनी पूरी नजर बनाए रखें कि किस तरह की जो जांच है वो की जा रही है, आरोपी कौन है उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा का बड़ा मामला है, क्योंकि तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भी स्कूल जाते हैं। एक बेहद ही बड़ा मामला ऐसा सामने आया है गाजीपुर से जिसको लेकर पेरेंट्स में भी खासा नाराजगी देखने को मिला है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।